बहुत ही प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। इस बहुत ही प्यारी सी दुआ के साथ बड़े मज़ेदार किस्म का एक स्नैक्स आपके साथ की रेसिपी आपके साथ शेयर की गई है, गार्लिक पोटैटो बाइट्स, जो कि बहुत क्रिस्पी और बहुत अच्छे बने। ये देखिए, मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए कितने क्रंची हैं, ठीक है। और ये देखिए अंदर से कितने सॉफ्ट, ये देखिए बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार बने। ये जानने के लिए कि ये किस तरह तैयार किए गए, आपको पूरी रेसिपी एंड तक देखनी पड़ेगी। चले हम अपने किचन क्लोजअप में चलते हैं और आप सबके लिए बहुत प्यार से गार्लिक पोटैटो बाइट्स बनाना शुरू करें। मज़ेदार किस्म के क्रिस्पी क्रंची पोटैटो बाइट्स बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक पैन ले लिया। इसके अंदर डालेंगे 1 टेबल स्पून भर के बटर। अब इसको थोड़ा सा मेल्ट होने दे लिया। देखिए बटर हमारा मेल्ट हो गया। अब हम इसके अंदर गार्लिक इस तरह चॉप्ड किया हुआ ये ऐड कर देंगे और इसको हल्का हल्का सा फ्राई करेंगे। ये देखिए 1/4 टीस्पून हम इसके अंदर चिली फ्लेक्स डालेंगे, यानी कि चुटकी बराबर चिली फ्लेक्स, ठीक है। ये डाल देने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे 1/2 कप पानी। ये देखिए अब पानी में उबाल आने तक वेट करेंगे। अब इसमें उबाल आ गया है। अब जितना हमने इसके अंदर पानी ऐड किया था, यानी कि 1/2 कप, और 1/2 कप ही हम चावल का ये आटा इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए, और फ्लेम को हमने कर देना है बिल्कुल स्लो, और स्लो हीट पे हमने इसको इस तरह कर करके मिक्स करते जाना है, ताकि ये चावल एब्जॉर्ब कर लेगा सारा पानी और थिक भी होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए, ठीक है। ये देखिए बिल्कुल हमने इसकी लो हीट की हुई है, और उसके अंदर इसको हमने इस तरह कर करके, ये देखिए इस तरह करके हमने इसको पकाना है। ये बिल्कुल इस तरह कुक्ड हो जाएगा, ये देखिए, ठीक है। अब हम इसकी फ्लेम को बंद कर देंगे और इसके ठंडा होने का इंतज़ार कर देंगे। ये देखिए 2 अदद मैंने मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं और उसको अच्छे से मैंने बॉयल कर लिया। अब मैं इसको ग्रेटर की मदद से ग्रेट करूँगी। ये देखिए इस तरह करके बिल्कुल, ये ग्रेट किए हुए आलूओं में हम डालेंगे राइस जो हमने ये बनाया हुआ था। ये देखिए सब इसके अंदर ऐड कर देंगे और इस... अब हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट। सॉल्ट आपके टेस्ट के मुताबिक जाएगा, और थोड़ी सी 1 पिंच ऑफ ब्लैक पेपर, ठीक है। अगर आप चाहें तो हरी मिर्चें बिल्कुल बारीक चॉप करके भी डाल सकते हैं। वैसे मैं आपको इसकी ऑथेंटिक रेसिपी दे रही हूँ। और इसके अंदर डाल देंगे आप हरा धनिया। ये देखिए हरा धनिया मैंने डाल दिया इसमें 1 टेबल स्पून भर के। अब मैंने इसको अच्छे से मैश मिक्स करना है बिल्कुल। ये देखिए एक डो होती है ना, जैसे इस तरह की डो हमने तैयार कर लेनी है। ये अच्छी सी एक डो बना लेने। अगर आपका बैटर बिल्कुल पतला हो जाता है, यानी कि थोड़ा सॉफ्ट सा हो जाता है, तो आपने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड कर लेना है बस। ये देखिए बिल्कुल एक्यूरेट, अगर आप बिल्कुल इस तरह से रेसिपी से इसी को फॉलो करेंगे ना, तो बिल्कुल ठीक बनना है। ये देखिए, ये देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा डो हमारा, ये देखिए रेडी हो गया। कटिंग कर दी। ये देखिए डो हमारा कितना अच्छा माशाल्लाह से रेडी हो गया, ठीक है। ये देखिए अब हमने क्या करना है, इसको ये इस तरह करके यूं करना है, लेंथ में इसको लेके जाना है। हमने अब इसकी शेप बनानी है पोटैटो बाइट्स की। ये देखिए बच्चे बहुत मज़े से शौक से खाएंगे, ये देखिए, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ, अब पहले आपने ये ऊपर वाले हिस्सा ये कट कर दिया, इसको हटा दिया। अब हमने इसकी शेप यूं करके, ये देखिए यू कट करते जाएं, ये देखिए यू कट कर दिया मैंने इसको। ये देखिए अब ये जो है ना, इसकी शेप हमने इसको, ये देखिए इस तरह करके इसकी शेप बना,
थोड़ा सा हाथ की मदद से हम इसको यूं कर लें। ये देखिए, ये हमारे पोटैटो बाइट्स हाफ डन हो गए, और इसी कंडीशन में आप इसको फ्रीज भी कर सकते हैं, ठीक है। हाफ डन कर लिए, शेप्स देखिए कितनी प्यारी बन गई है। आप इस कंडीशन में ना इसको एयर टाइट कंटेनर में अलग अलग यूं कर करके रखकर इसको फ्रीज भी कर सकते हैं, और फिर इसको एयर टाइट बैग में ट्रांसफर कर सकते हैं। चले अब हम इसे फ्राई करें। चूल्हे पे मैंने कढ़ाई रखी है, उसमें मैंने डाल लिया कुकिंग ऑयल, इसको हमने करना है डीप फ्राई। देखिए इस तरह करके ये मैं डाल दूंगी इसके अंदर। देखिए लो टू मीडियम हीट रखनी है आपने, ज़्यादा तेज गर्म तेज उसमें नहीं करना है, आँच तेज नहीं रखनी। अब हम इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे लो टू मीडियम हीट पे, ठीक है। ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करनी और ज़्यादा हल्की आंच नहीं करनी। ये देखिए बहुत टेस्टी ये पोटैटो बाइट्स बनते हैं। ये देखिए कितने अच्छे फ्राई हो रहे हैं, अभी फ्राई हो जाएंगे ना पूरे गोल्डन ब्राउन, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया गार्लिक पोटैटो बाइट्स। ये देखिए, ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह से। ये देखिए बस अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। ये देखिए मजेदार किस्म के गार्लिक पोटैटो बाइट्स हमारे रेडी है। इसको मैंने चिली गार्लिक सॉस के साथ सर्व किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, अगर आपको लगता है बड़े मज़े की रेसिपी आपके साथ शेयर की गई है, तो आपने क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना है, ताकि आइंदा आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चले अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।